नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। बिग बॉस विजेता एल्विस यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस ने आज सुबह केस दर्ज किया है। कहा जा रहा है कि मामला दर्ज होने के बाद से ही एल्विस यादव फरार चल रहे हैं। वहीं पुलिस एफआईआर के मुताबिक बता दें कि एल्विस यादव नोएडा में रेप पार्टी करता था। इसमें बताया गया है कि इस पार्टी में प्रतिबंधित सांपों और विदेशी लड़कियों की भी एंट्री होती थी। इस मामले में कार्यवाही करते हुए पुलिस ने एल्विस की गैंग में शामिल 5 लोगों को धर दबोचा है। इस मामले में अब एल्विस यादव फरार चल रहे हैं। उनका पहला रिएक्शन सामने आ चुका है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है। सामने आए वीडियो में एल्विस सभी दावे को झूठा करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि उन पर लगाए जा रहे सारे आरोप फेक है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस कार्यवाही में उत्तर प्रदेश की पुलिस का सहयोग करेंगे। वीडियो में एल्विस को कहते सुना जा सकता है, जी हाँ दोस्तों, मैं आपका एल्विस यादव। मैं सुबह उठा और देखा कि मेरे बारे में कैसी कैसी बातें मीडिया में खबरें फैलाई जा रही हैं कि एल्विस यादव अरेस्ट हो गया है। एल्विस यादव नशीले पदार्थ के साथ अरेस्ट हो गया है, ऐसे ऐसे पकड़ा गया है। ये सारी चीजें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं, वो सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, इनमें 1% सच्चाई नहीं है। एल्विस ने इसी वीडियो में आगे कहा कि मैं यूपी पुलिस का पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूं। मैं यूपी पुलिस और पूरे प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुजारिश करूंगा कि 1% भी अगर इन चीजों में मेरा इन्वॉल्व मिल जाता है तो मैं सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। और मेरी मीडिया से ये रिक्वेस्ट है कि जब तक मेरे पास ठोस सबूत ना हो जाएं, तब तक मेरा नाम खराब ना करें। जो भी इल्जाम लगे हैं, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर ये साबित होते हैं तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। आपको बता दें कि नोएडा पुलिस के एफआईआर के मुताबिक एल्विस यादव की रेव पार्टी में विदेशी लड़कियों को बुलाया जाता था। पुलिस ने बताया कि फिलहाल एल्विस यादव अभी इस मामले में फरार है। पुलिस ने जिन आरोपियों को पकड़ा है उनके कब्जे से 9 जहरीले सांप बरामद हुए हैं। इस मामले में एल्विस यादव सहित 6 नामजद और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया। अब पुलिस एल्विस यादव को गिरफ्तार करने में जुटी है। ये नोएडा के थाने सेक्टर 49 का मामला है। आपको बता दें कि पुलिस ने बताया है कि इस मामले में थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा वादी एनिमल वेलफेयर ऑफिसर की तहरीर के आधार पर एल्विस यादव सहित 6 व्यक्तियों के खिलाफ नोएडा सेक्टर 51 स्थित ब्लैंकेट हॉल में पार्टी करने और सांपों का जहर उपलब्ध कराने के संबंध में एफआईआर दर्ज करते हुए ब्लैंकेट हॉल से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले डीसीपी विशाल पांडे ने बताया कि शिकायत के मुताबिक एल्विस यादव ने मुखबिर को राहुल का नंबर दिया था। राहुल एक सपेरा है। पुलिस को मौके से 20 मिलीग्राम जहर मिला है। कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस एल्विस के संपर्क में नहीं आ रहा है। नोएडा पुलिस एल्विस की तलाश में है। 3 राज्यों में पुलिस की टीम को लगाया गया। जो जहर बरामद हुआ है उसे जांच के लिए एफएसएल लैब भेजा गया है। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेनका गांधी ने कहा है कि हमें पता चला था कि प्रभावशाली व्यक्ति एल्विस यादव इस तरह के कामों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा करने वालों को तुरंत गिरफ्तार करने की जरूरत है। वह सरगना है। सांपों को जंगलों से पकड़कर मार दिया जाता है। सांप लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में है। इस तरह का अपराध करने वालों के लिए कानून के तहत 7 साल की जेल है, जो सभी को मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि मेनका गांधी पीपल फॉर एनिमल्स की प्रमुख है। वहीं इस मामले को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालवाल ने एक्स यानी ट्विटर पर लिखा है कि एल्विस यादव पर एफआईआर हुई है। आरोप है कि एल्विस यादव रेव पार्टी करवाता था जिसमें नशे के लिए सांप का जहर इस्तेमाल होता था। इस आदमी को हरियाणा के सीएम मंच से प्रमोट करते हैं। एक तरफ साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे टैलेंट सड़कों पर डंडा खाते हैं और हरियाणा सरकार ऐसे लोगों को प्रमोट करती है। इसके वीडियो में आपको लड़कियों पर अश्लील टिप्पणियां मिली होंगी, गाली गलौज दिखेंगे। वोट के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं।
बता दें कि पिछले कुछ सालों से ऐसी रिपोर्टें सामने आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली की रेव पार्टियों में सांप के जहर की मांग बढ़ती जा रही है। लोग नशे के लिए सांप के जहर की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। द संडे गार्डियन ने कुछ समय पहले प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा था कि दिल्ली की रेव पार्टियों में सांप के जहर से बनी गोलियां या फिर सीधे सांप से कटवा कर नशा करने की चलन तेजी से बढ़ रहा है। बता दें कि दिल्ली के रहने वाले पीआर प्रोफेशनल ईशान गुप्ता बताते हैं कि सांप के जहर से जो नशा होता है वो एक तरह का नशा होता है जिसे ड्रग्स करने वाले लोग ज्यादा पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि सांप के जहर से कुछ ही सालों से पार्टियों में अपना प्रभाव बढ़ा लिया है, लेकिन अधिकतर लोग इसे खरीद नहीं सकते। सांप के जहर का आसानी से मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। लोग तो नशे के लिए सीधे सांप से ही डसवाने की तैयार है। इससे उन्हें लगता है कि उनकी शक्ति बढ़ गई है और उत्तेजना भी मिलती है। अगर किसी ने एक बार इसका सेवन किया है तो वह दोबारा इसके लिए उत्तेजित हो सकता है। पार्टियों में मिलने वाले किसी भी ड्रग्स की तुलना में सांप के जहर का नशा बहुत ही पावरफुल होता है। उन्होंने बताया कि यह बात हैरान करने वाली है, लेकिन सांप के जहर का नशा करने वाले लोग अधिकतर जहरीले कोबरा के जहर का इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। कोबरे के जहर का पाउडर भी बनाया जाता है और फिर उसका नशा किया जाता है। कोबरा सपेरों और सांप की तस्करी करने वाले लोगों के पास आसानी से मिल जाता है। वो कहते हैं कि कोबरे के जहर से बने पाउडर को नशे के लिए ड्रिंक में मिलाया जाता है। कई मामलों में जहर के इस्तेमाल से मौतें भी देखने को मिली है। वहीं रेव पार्टियों में जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि पार्टियों में जहां सामान्य ड्रग्स की एक गोली की कीमत 2,000-5,000 के बीच होती है, वहीं सांप के जहर से बनी एक गोली की कीमत 25,000 से ज्यादा होती है। जो लोग सांप के जहर से ड्रग्स बनाते हैं वो तस्करों या फिर सपेरों के से सांप खरीदते हैं। नार्कोटिक्स अधिकारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में आधे लीटर सांप के जहर की कीमत 10 लाख से अधिक होती है। वहीं गुड़गांव की रहने वाली आईटी प्रोफेशनल निकिता शर्मा ने बताया कि सांप के जहर से शरीर में ऊर्जा मिलती है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि सांप के जहर से पार्टियों में मौज मस्ती करने वाले को बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है और वो लंबे समय तक डांस कर सकते हैं। अगर वो अपने कम मात्रा में जहर लेते हैं तो आपको 6 से 7 घंटे और अगर आप थोड़ा ज्यादा लिया तो आपको 5-6 दिनों तक नशा रहता है। अगर आप सांप से सीधे खुद को डसवाते हैं तो नशा ज्यादा होता है। जिन लोगों ने इसका नशा शुरू किया है उनसे अधिकतर लोगों का कहना है कि उन्होंने इसे तब लेना शुरू किया जब वो स्कूल में या फिर कॉलेज में थे। सांप का जहर गांव के आसपास वाले इलाकों में आसानी से मिल जाता है। वहीं ईशान गुप्ता कहते हैं कि मैं दिल्ली के बाहरी इलाकों में एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ। वहाँ कम एज के बच्चे अक्सर स्कूल की दीवार पर चढ़कर फांद जाते थे और जब सपेरे उन्हें जहर देते थे तो वो बच्चे हेरोइन कोकीन जैसे ड्रग्स लेने लगे। लेकिन कुछ समय बाद ये ड्रग्स उन्हें वो चमत्कारी नशा नहीं दे पा रहा था जिन्हें वो चाहते थे। जिनके पास ज्यादा पैसा था वो नए ड्रग्स की तलाश शुरू कर देते और सांप का जहर इससे ज्यादा बेहतर होता है। तो ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।